आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक एक वादे को पूरा कर दिया गया। इसी निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। आज की बैठक में हमने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्यों के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनों को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशन के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 54(b) को प्राथमिकता दिए जाने की मंजूरी आज कैबिनेट में दी गई है।